वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक प्रोफाइल के लिए वीडियो को किस तरह से क्रिएट और अपलोड किया जा सकता है, वो भी मोबाइल में रहते हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हमने एक ऐप इंस्टॉल करनी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नाम है उसका वीडियो शो। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही उसे ओपन करेंगे यहाँ काफ़ी सारी ऑप्शन आएंगे। इसमें हमने लेफ्ट साइड पर स्लाइड शो पे क्लिक करना है। स्लाइड शो पे क्लिक करते ही हमारे पास जो पिक्चर्स हमें सेलेक्ट करनी है वो पिक्चर्स हमने ऑर्डर वाइज सेलेक्ट करनी है, यानी जिस पिक्चर को हमने पहले रखना उसको पहले सेलेक्ट करनी है, जिसको बाद में उसको बाद में सेलेक्ट करनी है। या देख सकते हैं मैंने 4 से 5 पिक्चर्स को सेलेक्ट करा है यहाँ पर, ठीक है। और सेलेक्ट करते ही वो ऑटोमेटिक उसकी एनिमेशन खुद से क्रिएट कर देगा, आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर उसका टाइम ड्यूरेशन भी आ रहा है। अच्छा, एक बात यह देखिएगा कि फेसबुक हमें जो वीडियो की सहूलत देता है वो सिर्फ 7 सेकंड तक की होती है। यहाँ पर आप नीचे काफ़ी सारी थीम्स देख सकते हैं, उन थीम को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये गेम हाईलाइट की है, इसके ज़रिए वो गेम की थीम्स आ जाएगी आपकी। इसके अलावा रमज़ान थीम भी मौजूद है यहाँ पर, जो आपकी स्लाइड शो को रमज़ान इफेक्ट दे देगी। पर हम अभी इसमें थीम में नहीं जाएंगे, हम पहले इसका साइज़ रिड्यूस करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं एडिट की ऑप्शन, पैन बना हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लिप एडिट की है, हम वहाँ पर जाएंगे, हमें साइज़ रिड्यूस करना है इसका। देन यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं ड्यूरेशन की। अब जैसे मैं ड्यूरेशन पे क्लिक करूँगा तो उसकी स्लाइड की पर पिक्चर की ड्यूरेशन आ जाएगी कि वो कितनी देर तक प्ले होनी है। मुझे उसे थोड़ा सा कम करना है ताकि मेरा जो टाइम है वो 7 सेकंड तक आ जाए, जो कि अभी भी ज़्यादा है। हम ड्यूरेशन को कम और ज़्यादा करके चेक करते रहेंगे कि हमारे डिज़ायर टाइम यानी 7 सेकंड आता है क्या नहीं। अगर कम होगा जब भी हम उसे बढ़ा देंगे, अगर बढ़ेगा तो हम उसे कम कर देंगे, ताकि हमें चेक करना है कि एग्जैक्ट 7 सेकंड तक हमारी पिक्चर्स का टाइम पहुँच जाए। यहाँ पर मैं सेट करके देख रहा हूँ, मैंने 1.3 पर सेलेक्ट करा, ये हमारा एग्जैक्ट टाइम हो रहा है आलमोस्ट 7 सेकंड का। इसके बाद हम इसे प्ले करके देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपरली चल रही है। यहाँ आप मज़ीद फिल्टर और इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, पर यहाँ मैंने सिंपल रखी है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट का बटन दिया हुआ, मैंने उसे क्लिक करा, यहाँ ऑप्शन दे देगा, आप रेजोल्यूशन सेट करिए, फ्रेम सेट करिए और सेव पे क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, यह आपकी एनिमेशन क्रिएट कर देगा, वीडियो एनिमेशन। यहाँ आप चाहें तो उसे GIF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो उसे सिंपल ही रहने दें, मैंने इसे वीडियो फॉर्म में रहने देता हूँ। अब हम चलेंगे इसे अपलोड करने की तरफ। यहाँ हम फेसबुक की ऐप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देख सकते हैं फेसबुक की ऐप मौजूद है। आपने इसे ओपन करना है, प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू प्रोफाइल वीडियो के नाम से, सेलेक्ट प्रोफाइल वीडियो के नाम से एक ऑप्शन आ रही है, आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ आपको जो वीडियो अप्लाई करनी है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे सेलेक्ट करेंगे वो हमें प्रीव्यू करके दिखा देगा कि हमारी प्रोफाइल वीडियो किस तरह की नज़र आएगी। यहाँ आप चाहें तो एडिट के ऑप्शन से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर राइट साइड पर आपको सेव की ऑप्शन नज़र आ रही है, आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको एडिट नहीं करना है तो मैं यहाँ सेव पर क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगी अपलोड करने का, और उसके बाद ये आपको प्रीव्यू यहाँ भी करके दिखा देगी कि आपकी प्रोफाइल वीडियो किस तरह की नज़र आएगी। ये सिंपल से स्टेप्स हैं, आप चाहें तो पहले से बनी हुई कोई वीडियो या रिकॉर्ड की भी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। फेसबुक को नया लुक दीजिए, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर की जगह प्रोफाइल वीडियो इस्तेमाल करिए। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सी यू सून। Thank you.